What's up guys? Finally, iOS 18 का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है और आपको तो पता है आईफोन के जो फीचर होते हैं हाँ माना थोड़े लेट आते हैं बट होते तो नेक्स्ट लेवल है। उन्हीं न्यू अपडेट्स और लीक्स के बारे में बात करेंगे और ये iOS 18 किस किस डिवाइस में आएगा वो सब बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखना और हम फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन चेंज की। तो इसके लॉक स्क्रीन में भी आपको डिजाइन चेंज देखने को मिल जाएगा। अभी सिर्फ कैमरा और फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है। 18 के बाद इसमें आप अपनी मर्जी के ऐप ऐड कर पाओगे और तो और अब आप ऐप को मूव भी कर पाओगे बिल्कुल एंड्रॉइड फोन की तरह। ये देखो, ये अभी देखा देखी पे उतर आया है। और साथ ही कंट्रोल सेंटर रीडिजाइन मिल सकता है। ओवरऑल कस्टमाइजेशन में आप सब कुछ कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर के ऑप्शंस भी होम स्क्रीन में रख सकते हो, लाइक ब्राइटनेस, टॉगल वगैरह सब कुछ होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हो। और सबसे खास बात, सारी दुनिया AI कर रही है तो एप्पल कैसे पीछे रहने वाला है। हाँ मान लिया यार पीछे है, बट इसके फीचर्स तो सुन लो। अब सीरी में AI के फीचर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और एप्पल AI को iOS 18 के बाद टोटली इंटीग्रेट करने वाला है। चाहे मैसेजिंग ऐप हो, नोट ऐप हो, इवन म्यूजिक ऐप हो, हर जगह AI का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। म्यूजिक में भी सिर्फ आपको बताना है कि आपको इस मूड के अकॉर्डिंग सॉन्ग चाहिए, AI आपको सब बना कर दे देगा। इतना ही नहीं, सफारी में सफारी असिस्टेंट मिल जाएगा जो बड़े बड़े न्यूज या आर्टिकल को समराइज करके शॉर्ट में तुम्हें दिखा देगा। इवन अब आप फोटो में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, इरेज करना या फिर सर्कल टू सर्च करना सब काम iOS 18 के बाद कर पाओगे। इसकी खास बात क्या है वो बताता हूँ। सैमसंग और गूगल जनरेटिव फिल के लिए इंटरनेट यानी क्लाउड का यूज करते हैं, बट एप्पल ये सारे फीचर ऑफलाइन फोन में ही देने वाला है, जो कि नेक्स्ट लेवल है। और वही टास्क सैमसंग में करते हो जहाँ इंटरनेट ऑफ है वो काम नहीं करेंगे, बट एप्पल में ये सब काम करेंगे। तभी मैंने पहले ही कहा था लेट आते हैं बट आते हैं तो नेक्स्ट लेवल आते हैं। तो इस नेक्स्ट लेवल फीचर के लिए नेक्स्ट लेवल कमेंट भी कर दो। एंड साथ ही एप्पल कारप्ले में भी AI देखने को मिल सकता है। और अब फाइनली एप्पल ने एंड्रॉइड और एप्पल का भेदभाव हटा दिया। इसका मतलब RCS का यूज अब आप एप्पल में भी कर पाओगे, जिससे आप आई मैसेज के थ्रू एंड्रॉइड यूजर को भी हाई क्वालिटी की इमेजेस शेयर कर सकते हैं। और गूगल मैप में कस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और एक और फीचर आने वाला है जो नेक्स्ट लेवल है, आई ट्रैकिंग, वो भी इस iOS 18 में देखने को मिल जाएगा। मीन अब आप अपने iPad या iPhone को आई से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब हो सकता है ये सभी ऐप के साथ कंपेटेबल ना हो, बट अगर हुआ तो मजा आ जाएगा। और अब साथ ही एप्पल म्यूजिक में म्यूजिक हैप्टिक भी आ सकता है, जिससे म्यूजिक सुनने के साथ साथ हल्के वाइब्रेशन से म्यूजिक को फील भी कर सकते हो। और एक और फीचर ऐड होगा व्हीकल मोशन क्यूज, जिससे आप गाड़ी में फोन यूज कर रहे हो और इसको ऑन कर रखा है तो गाड़ी लेफ्ट टर्न ले रही है तो लेफ्ट से राइट, और राइट ले रही है तो राइट से लेफ्ट, और एक्सीलरेट करती है तो ऊपर से नीचे, और ब्रेक पे नीचे से आगे की तरफ ये डॉट मूव हो रहे हैं। इससे मोशन सिकनेस बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही आप एयरपॉड प्रो सेकेंड जेन को iOS 18 अपडेट के बाद एज ए हियरिंग डिवाइस की तरह भी यूज कर पाओगे। मतलब अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो वो इसको एज ए हियरिंग डिवाइस की तरह भी यूज कर सकता है, जो कि मुझे कमाल का फीचर लगा। बस गाइस, iOS 18 की लीक्स और अपडेट्स में इतना है। और रही बात iOS 18 के कंपैटिबल डिवाइस की, तो ये iPhone 11 और उसके ऊपर के सभी डिवाइसेस में आएगा। iPhone XS और XR में पहले थोड़ा डाउट था, बट अब कंफर्म हो गया है कि iOS 18 इन दोनों मॉडल्स में भी देखने को मिल जाएगा। वैसे 10 जून को इसका बीटा वर्जन रोल आउट होगा और फाइनल पब्लिक रोल आउट iPhone 16 लॉन्च के बाद आएगा। तो गाइस हमें कमेंट करके बताओ कि आपको iOS 18 का ये कौन सा फीचर बेस्ट लगा। दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को अपने iPhone लवर दोस्तों के पास शेयर कर दो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थिंक क्रिएटिव।